The abrogation of the Article 370 and what it means to Kashmiriyat. आइए बिना किसी वक्त को लेते हुए मैं हमारे पैनलिस्ट को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वे आए तो आपकी तालियां साथ रहें प्लीज तालियां बजाते रहें हमारे बीच मिस्टर गौहर गिलानी मिस्टर आनंद रंगनाथन सैयद सलमान चिश्ती जी विवेक अग्निहोत्री जी और इस सेशन को मॉडरेट करेंगे अभिजीत अय्यर मित्र थैंक यू गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल आवर पैनलिस्ट्स आई लाइक टू वेलकम ऑल आवर पैनलिस्ट्स हैज ऑलरेडी हैपेंड We have to do a hard stop at 6:45, so I'm going to rush this session through. What I'm going to do is, starting from the left, I'm going to start off with everybody to just give a quick 1.5 to 2 minute opening remark. Chishti Saab? Adab, greeting of peace. This is a panel where we're talking about Kashmiriyat, Kashmir aur uski tehzeeb. उसके बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं तो इस बात को हमें अपने जहन में रखना चाहिए वी हैव टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग इन अ माइंड दैट वी नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर फॉर ओवर लास्ट 70 इयर्स बट ऑफ 1000 इयर्स ऑफ लेगेसी एंड कश्मीर ट्रेडिशन दैट वी टॉकिंग अबाउट और वहाँ पे जब देखेंगे आध्यात्मिक जिंदगी कश्मीरियों की जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे चाहे वो तहजीब हो तमीज़ हो बातचीत हो अंदाज़ हो चाहे वो शेवाई ट्रेडिशंस हो या सूफी ट्रेडिशंस हो वहाँ पे दरगाहें हो मंदिर हो मठ हो किस तरीके से सदियों से वहाँ पे जो हिंदुस्तान की एक आत्मा है सोल है उसको वहाँ पे देखने को भी मिलता है जानने को भी मिलता है महसूस करने के लिए भी मिलता है तमाम आवाम जो वहाँ की कश्मीर है उनकी ज़बान जब आप बात करें कि हम अजमेर दरगाह शरीफ से हैं जब कश्मीरी वहाँ पे आते हैं जब बर्फ़ पड़ती है तो अंदरूनी इलाकों से जो बकरवाल हैं जो पुराने लोग हैं वहाँ पे जब आते हैं तो वो हमें हज़रत या सैयद साहब करके रेफ़र नहीं करते हैं दे कॉल अस एज ऋषिज दैट इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस ऑफ बिटवीन द हिंदू ट्रेडिशन एंड द सूफी ट्रेडिशन एंड द मुस्लिम हु हैव बीन Growing up together and learning from each other. जो नंद ऋषि की अगर हम बात करते हैं जिनको जिनका नाम था शेख नूरुद्दीन चरार शरीफ में जिनकी दरगाह है अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन हुआ सूफियों के साथ और कश्मीरी पंडितों के साथ वो साइड बाई साइड पैरेलल चला था कि जो एक्सट्रीमिज़म आज हम देखने को मिलता है वहाँ पे तो उस तहजीब को जब वहाँ पे बॉम्बिंग हुई तो आज भी वहाँ पे देखा जाता है किस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों वहाँ पे फूल भी लेके जाते हैं दे गो टुगेदर विद ऑफरिंग द फ्लावर्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ द सिंक्रेटिज्म दैट इज़ द एसेंस ऑफ कश्मीरियत दैट इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट इन दिस पैनल Okay. Jamyang sir, the MP from Ladakh. 2 minutes to you, sir, maximum. Hello, everyone. From Ladakh, I greet Jule. Ladakh is the land of amazing destination and kind hearts. It stands for Ladakh, L-A-D-K-H. Land of amazing destinations. Amazing destinations. Agar hum pryatan ke drishti se agar dekhe to one of the best tourist destination in the world. An amazing destination of solar harp, amazing destination of medicinal plant, amazing destination of Sindhu River, amazing destination of a repository of glacier. There are so many things we can count as amazing destination. And kind hearts means peace, shanti, aman, karuna, maitri, pyar. Aur wo bhi us border, jo China aur Pakistan ke border pe jo is desh ka jo अंग है अटूट अंग है वो लद्दाख है और जब भी हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो लद्दाख हमेशा किनारा रहता था लेकिन इस बार 370 जाने के बाद लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बन के लद्दाख जो है जो लाइमलाइट में आया और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि लद्दाख भारत के लिए एक केवल भूमि का टुकड़ा भूमि का अंग नहीं है ये भारत का जो अनमोल रतन जो भारत के सर पर है और पहले हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब मैं कहता हूं कि काराकुरम से कन्याकुमारी तक भारत एक अटूट अंग है ये जानना हमारे देश वालों के लिए बहुत जरूरी है गौहर 2 quick minutes क्विकली प्लीज हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी द थीम ऑफ दिस डिस्कशन एज आई अंडरस्टैंड इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड कश्मीरियत while diversity is sold as USP when it anywhere else in the world and
anywhere else when it's not Kashmir. But in the case of Kashmir, the same diversity was not seen as its positive, but because Ladakh was made into a separate union territory, so that this was an attack also on the diversity of Jammu and Kashmir. So that's point number one. Point number two is that while everybody talks about and people love to draw cheers by saying things which do not actually reflect the ground reality. It's been nearly 7 months, and still, if your Swiggy order gets late by 2 minutes, you all fume. And it's been 7 months that people in Kashmir do not have access to internet. And 1,50,000 youth have lost their jobs who were directly linked with tourism and IT sector. So I think all these things are to be kept in mind when we talk about things which look in a flowery language. The attack on the same people who have defended the idea of India in Kashmir, for five-time Chief Minister Farooq Abdullah, Omar Abdullah, even Shah Faisal, who was sold as a role model for last 10 years, he also is in jail. And how this PSA has been used arbitrarily against everyone who has a view in Kashmir. Thank you. Vivek Agnihotri ji, your opening remarks. I think the theme is Kashmiriyat. So I will tell you first कि एक्चुअली ये कश्मीरियत आज की तारीख में क्या है, कॉन्सेप्चुअली और इंटेलेक्चुअली कुछ भी हो, लेकिन रियलिटी में क्या है, इसका मैं आपको जीता जाता है कि एग्जांपल बताता हूँ. मैं दिसंबर में शूटिंग कर रहा था कश्मीर में, डल लेक में. मेरी वाइफ पल्लवी जोशी, हम एक शो बनाते थे भारत की बात, तो वो शिकारा में कर रही थी और कुछ छोटे बच्चों की ज़रूरत थी, तो वहाँ से 5-6 लड़कियाँ लोकल बोट में शिकारा में उनके साथ बैठ गई. थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो छोटी बच्ची ने पल्लवी से पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, तो पल्लवी ने बोला मैं बॉम्बे में रहती हूँ, एंड शी डिडंट नो बम्बई कहाँ है. तो उसने बोला अच्छा आप नमाज कहाँ पढ़ती हैं, तो पल्लवी ने बोला मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ बेटा. तो उसने बोला क्यों नहीं पढ़ती हैं, तो उसने बोला क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ. तो कहती तो क्या हुआ, नमाज तो सब पढ़ते हैं और नमाज तो सबको पढ़नी चाहिए. ये है आज 2019 की कश्मीरियत, जिसके बारे में बुद्धिजीवी लोग बहुत उसको रोमांटिसाइज करते हैं. लेकिन 1990 के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है कश्मीर में, वो जानता ही नहीं है कि हिंदू कौन है, पंडित कौन है, उसको किस डाइवर्सिटी के बारे में जीरो आइडिया है. कश्मीर एक दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है, कश्मीर पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे एक भी सिनेमा हॉल नहीं है. जिसको खोलने की कोशिश जब की गई थी 1997-98 में, तो वहाँ पे गोलियाँ चल गई थी और 15-20 लोगों को लग गई थी और हॉस्पिटल गए थे. वहाँ पे थिएटर नहीं है, वहाँ पे म्यूज़िक नहीं है, वहाँ पे लिटरेचर नहीं है. 1990 में, 1990 तक आपको बताता हूँ, जितना लिटरेचर, पोएट्री, आर्ट एंड कल्चर कश्मीर में बढ़ा है, देयर वॉज नो वंडर ग्रीक्स कॉल्ड कश्मीर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. इट वॉज द फर्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड. You name it, musicology, astronomy, Ayurveda, yoga, नाट्य शास्त्र, जिस पे सारे हॉलीवुड बॉलीवुड सब टिके हुए हैं, जो रोज ड्रामा टीवी न्यूज में आप देखते हैं, सब नाट्य शास्त्र से निकले हैं. हिंदुस्तान का जो सबसे एपेक्स नॉलेज सेंटर था वो था कश्मीर, और आज ये हालत है जब से वहां से पंडित लोग निकले हैं, 30 साल में कश्मीर हैज नॉट प्रोड्यूस्ड इवन वन वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर और एनीथिंग विच यू कैन कॉल कल्चरल. ये है आज की कश्मीरियत. इसकी चर्चा मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे उसका विनाश हुआ. थैंक यू. आनंद, 2 मिनट्स प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन. एक्चुअली मुझे इस पैनल पे नहीं होना था, सुशांत सनीद को होना था, वो आ नहीं पाए तो मैं ऐसे घूम रहा था. उन्होंने कहा वी नीड समवन ऑफ द सेम साइज, सो इफ नॉट साइज देन स्टेचर. सो सुशांत, माई अपॉलोजीज. मैं वही 2 मिनट में अपनी एक बात कहना चाहता हूँ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर. दो चीज़ें, एक तो मैं किसी भी हालत में ये नहीं समझता कि कश्मीरीज कुछ स्पेशल लोग हैं, वो उतने ही स्पेशल हैं जितने सारे इंडियंस हैं. और नंबर दो चीज़, मैं ये बात एक्सपोज करना चाहता हूँ जितने भी लोग जो जितने भी वहाँ पे हैं कश्मीरीज, जो वहाँ पे मेजॉरिटी में हैं, जो कि सोशल जस्टिस की बात करते रहते हैं एंड दे आर अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370, आई हैव दिस द फॉलोइंग थिंग टू स्टे. आई थिंक द सिनर्जी बिटवीन साइंस एंड लॉ इज़ टेरिबली अंडर रेटेड. यू नो द लॉजिक, द रैशनल, द एथिक्स एंड द मोरालिटी. देर इज़ समथिंग कॉल्ड द ब्लैक स्टोन रेशो इन लॉ, which means that it is better to acquit 10 guilty people
than to convict one innocent. And that is so beautiful. So I want to say the following. In fact, I want a show of hands, Abhijit. I won't take more than a minute. I want to take names of 4 or 5 Kashmiris and see how much we have regressed as far as morality and ethics is concerned. How many of you know of Burhan Wani? Can I have a show of hands, please? Almost all the hands have went up. How many of you know, and these are all Kashmiris I'm taking the names of, Meluram? No one. Radhika Gill? One. Eklavya Meena? No one. Satinder Singh Sathi? No one. Ejaz Bund? No one. These are the people who for 70 years, these are the Dalits, the homosexuals, the refugees who ran away from West Pakistan and settled, whose rights, human rights, have been brutally trampled upon by the Indian Democratic State for the last 70 years because of Article 370. They were graduates, postgraduates, PhDs, but they could only get a job as a sweeper. And you have the gumption and the temerity to say that you are fighting for Dalit rights? Jai Bhim, Jai Bhim, aapko sharam nahi aati. 70 saal se aapne un Dalits ki human rights ko. Kis basis pe aap keh rahe hain ki Article 370 abrogate nahi hona chahiye tha? Aapko social justice chahiye? Aap ab ro rahe hain? 70 saal se wo Dalits aapko yaad nahi aaye? So this is where I mean that the synergy between social Darwinism that comes out of the criticism by science of it and law is underrated. It must be taught in schools and universities. Thank you very much. Okay. So to just show you the contradictions that we're up against, we started off with the syncretism, the natural beauty, the repression and exclusion, and the avoidance of ground reality, and then the ethnocide that's happened out there, as well as the complete whitewashing of history. So just to take this conversation forward, Gowhar, I wanted you to respond specifically to what Anand said, because his notion of Kashmiriyat is that it has been an imposition of a sort of Islamic view of Kashmir that's led to a complete whitewashing of other cultures, which if you accumulate with what Jamyang said in Parliament, means not just a whitewashing of Hindu culture, of homosexuals, but also of Ladakh's culture. How do you respond to that? 1 minute, please, very quickly. Yeah. Before responding to him, I would briefly like to respond to Mr. Vivek when he said there's no art. Gowhar, if you keep responding, then you go around. I'll just keep it very short, 30 seconds. The best of the literature that has come from Kashmir has come in the last 30 years. I think he doesn't read books. There's a lot of resistance literature, conflict literature, poems, theater, which has come in the last 30 years. You know, just because you don't read doesn't mean there is no literature. Second, you know, directly to the question that raised by other speaker, the tradition of Kashmir is that you have heard the name of Sheikhul Alam. His shruks and Lalla Arifa, who is also known as Laladed, her waqs and Sheikhul Alam's shruks, that is Kashmir. You know, it's not, we celebrate diversity. That's why Jammu, Kashmir, Ladakh was one unit. And that is what you have actually, you know, there's an assault on that one unit. So the second thing is about consent. You know, when there was a compact between the two parties, that compact has been broken unilaterally. Number three, how the local media in Kashmir has been silenced, and the only narrative that comes is from Delhi, Noida, and Bombay. So, you know, how people have lost jobs when the narrative is about development. How people are so scared that now there's an FIR against the entire population of Kashmir for expressing views. So there is total ban on narrative. So that's the things that you should actually talk about, the dignity and dignity of life, and also civil liberties, how civil liberties have been suspended in Kashmir. Abhijit, can I? Oh, okay. Just 1 second, Anand. Jamyangji, do you want to respond to that? Specifically from the very, Ladakhi point of view. Very interesting to hear. Bahut acha lag raha hai ye dignity, ye sara sun ke. Civil right, dignity, aur 72 saal ke baad, pehli baar inke zaban pe Ladakh aa raha hai. Kitne khushi ki baat hai. मैं मानता हूँ ये मोदी है तो मुमकिन है. अभी मेरे भाई ने इससे पहले कहा था कि वहाँ पे जो डिटेंशन में है, ये है, वो है. शेख अब्दुल्ला साहब कश्मीर के हित के लिए 11 साल जेल में रह सकते हैं,
तो क्या देश के हित के लिए कुछ लोग कुछ दिन डिटेंशन में नहीं रह सकते क्या? और आपने कहा कि वहां के लिटरेचर है, ये है, वो है, भाई सड़क पे तो हमें सिर्फ पत्थर ही नजर आए हैं, क्यों? इसने मैं सिंपली रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा एक ही लाइन पे, आप तो रह गए फेंकते पत्थर, हमने हटा दिया 370। Quickly, Vivek ji, I want you to respond to the point about the modern literature that Gowhar Geelani spoke about, the resistance literature and all of that. And after that, we'll go on to Anand. See, whatever he's saying is his perception. But since there is no diversity in Kashmir, it's very difficult to understand all other realities. I think what happened was, and after 1947, since I have been working on this project for last 2 years, I'm making a film on Kashmiri Hindu genocide. And I've been researching what happened after partition. Somewhere the Indian state believed that the Hindus will always remain patriot and it's time to appease the Muslim population of Kashmir. It was 100% Hindu population. By the time we got partition, it became 15%. In 1990, it was almost between 2 and 5%. Now it's some 0.02% or 0.03%. Why did it happen? It happened because of the state of India, how we appeased and we created wrong history. Like Sufism, for example, every single prime minister of India has glorified Sufism. Yes, Sufi music is great, which actually came from the Bhakti Pratha of India. It was influenced by Mirabai, by Tulsidas, by Kabir, and that's why you see the entire Sufi music today is limited to Rajasthan and that part. Why it's not existing in Kashmir if it is such a great integral part? Now, before you should know how we have been cheated, all the young people you are sitting here, you must condemn how you have Vivek, been. No, I have to finish this. Literature. I'm coming to specifically address the point of literature. Now, Kashmir, every single time we talk about 370, we talk, people bring Sufism in front of us, and that becomes the shield, like in Shaheen Bagh, women have become shield. Now, let me quote something. Okay, let me just read two lines, and you will understand the art and literature part. Okay, they were supposed to be always ready to carry the orders of the king. The king was Araki who came from Iraq. The personnel of royal bodyguard always sported large mustaches and like all Qazilbash wore red head gear. They did nothing against the wishes of the Murshid-e-Kamil, meaning the Shah. And on his order, they struck several blows at the dead body and with his sword and ordered the Sufis to eat the flesh if somebody was left alive, which they did religiously. This is written about who? This is written about the soldiers of the king whose only job was to convert people into Islam, and they were called Sufis. And this is written, wait, and this is not my quote. This is written by the son of Araki, and this manuscript, Geelani Saab, is lying in JNK Research Center in Srinagar. And in Aga Khan, there are only two manuscripts, and one is in Aga Khan Research Center. I got hold of both of them. And if I read the description of Sufis, okay, you will see them in the first. Vivek, first thing you'll do is on. That Vivek, will destroy we them. We, Anand, so this is Sufism move. For you. Don't get miscarried. Only two points to make. पहला तो ये है कि जिसके पास सच है और फैक्ट्स है ना, उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की. तो मैं आपको फैक्ट्स बता दूं, बट पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम पर्सनली अगेंस्ट द कंटिन्यूड इनकार्सरेशन ऑफ महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला. आई थिंक बहुत टाइम हो गया है. देर हैज टू बी सॉलिड रीजन्स फॉर कंटिन्यूड इनकार्सरेशन. बट दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दीज आर द फैक्ट्स. उमर अब्दुल्ला सैंक्शनड 1537 detentions under the same PSA in 4 years from 2009 to 12. Tab to bahut log chup the. Mehbooba Mufti's PDP booked 1266 people in 3 years during 2003 to 2005. Congress government led by Azad detained 1010 persons in 2006 to 2007, and Farooq Abdullah booked 503 people in 2002. Ab jab apne sar pe kulhadi gir rahi hai तो सारे सोशल जस्टिस वॉरियर्स आगे आ गए हैं. बहरहाल, एज आई सेड, आई एम पर्सनली अगेंस्ट. देयर हैव टू बी स्ट्रॉन्ग रीजंस. एंड नंबर टू, लुक एट द पैथेटिक गोल पोस्ट शिफ्टिंग. दिस क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड
Why did you not ever raise a voice against the continued persecution and the trampling of human rights of lakhs of Dalits and homosexuals and refugees and Sikhs and women and Gurkhas? Not one word. Aur ab aap keh rahe hain ki nahin, we always want to stand for dignity and human rights. This question needs to be answered. And let me tell you, there is no harm in saying sorry and seeking an apology from the Indians. I say sorry. Until Ratan Sharda wrote about this, I had no idea that lakhs of Dalits were miserably persecuted in the same Kashmir. I say sorry. There is no harm in all of us saying sorry, Mr. Geelani. And we must move on from there. Okay, Chishty Saab, I just want you to come in on the Sufi thing, because I think one of the things about modern literature is, and a lot of people have written about this, that, you know, there's different Sufi traditions. Some of them are quite peaceful, but Taimur Lung was also a Sufi, and he came and sacked Delhi, and there were 100,000 Delhiwalas killed. अध्यात्मिक तरीके से देखेंगे और आज के नौजवानों को अगर गुमराह करेंगे तो उसमें कमी आपकी है सुनने वालों की नहीं और जो जानते हैं सच्चाई और इस भारत देश की सच्चाई जो जानते हैं उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता है क्योंकि हम बात करते हैं सदियों की पिछले 70 वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं तो ये ट्रेडिशन और हर दिल के अंदर जब हम सदाएँ लगाते हैं और तसव्वुफ की बात करते हैं कि कोई म्यूज़िक नहीं होता है कोई ये नहीं होता मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जो सूफी भक्ति ट्रेडिशन है उन्होंने जब तसव्वुफ को म्यूज़िक दिया आज हम देखते हैं कवाली के अंदर बैठते हैं उसमें तमाम जबानों के अंदर सिर्फ हिंदी जबान नहीं उर्दू जबान नहीं बल्कि जो पुरानी कदीमी हिंदवी जबान है उसमें भी आज भी दोहे पढ़े जाते हैं और सूफिज़म को अगर कहना कि वो मास्क है तो ये इनकी खुद की कमज़ोरी हो सकती है लेकिन सुनने वालों की और महसूस करने वालों की क्योंकि जो सच है जैसे अभी पहले हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि सच एक है और उसको जब हम सुनते हैं महसूस करते हैं चाहे वो किसी भी एक्सप्लेनेशन से आए हम उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं उसको महसूस भी कर सकते हैं बात करें हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक अभी हमारे भाई ने कहा कि काराकोरम से पूरे कन्याकुमारी तक जब हमारे देश की हम बात करते हैं तो इसमें जितनी विभिन्न सभ्यताएँ हैं यहाँ पर वी नो वी अंडरस्टैंड दैट हाउ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल फेथ एंड कश्मीर इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल टूडे आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ अभी कुछ देर बाद जब हमारे गृहमंत्री यहाँ पर आएंगे उन्होंने भी कश्मीर के बारे में ये कहा कि 370 जो हटाया उसकी हमने भी उसकी तायीद करी यहाँ नहीं बल्कि जिनीवा में जाके हमने सपोर्ट करा इस मूव को क्योंकि पूरा एक अभिन्न अंग है इसको हम आज से नहीं सदियों से मानते आए दुनिया कश्मीर को 70 बरस से क्यों जाने ये हमारा फ़र्ज़ है कि कश्मीर हज़ारों साल की जो तारीख है उसको आप और हम मिल के दुनिया को बताएँ कि कश्मीर है क्या और उसमें अपने लोगों पर उंगली उठाना कि नहीं इन्होंने सरहद पार जो दहशतगर्दी आई उसको लेके अगर हम उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये उनका दिल तोड़ना है जिस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है वहाँ के सूफियों के साथ भी जुल्म हुआ है उनको भी निकाला गया है यही बात पार्लियामेंट में जब कही कि कश्मीरी पंडितों के साथ सूफियों को जो निकाला गया वो कहाँ है आज ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनको वापस रिस्टोर करें और जो जो कश्मीरियत है उसको वहाँ पर लेके आए मोहब्बत के साथ अमन के साथ यही मेरा देश हिंदुस्तान है यही भारत की तालीम है किसी चश्मे लगा के कि ये हिस्सा नहीं है और यही सच्चे है ये लोगों को गुमराह करना बंद किया जाए और यूथ जो है हमारी आवाम है हिंदुस्तान की वो इसका जवाब देगी ना कि हम और आप ओके गौहर वन वेरी स्पेसिफिक पॉइंट टेकिंग ऑन फ्रॉम व्हाट आनंद रेज इफ ही इज सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड व्हाट डू यू थिंक इज द कलेक्टिव गिल्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज इन द केपी एग्जोडस Again, first of all, I would like everyone to, you know, take name of Joseph Goebbels. I think today he must be feeling very insecure. The kind of propaganda that is being done against Kashmiris. So hang on, just to give a bit of background. उसको लगा होगा कि मैं कितना छोटा आदमी था. मेरी बात सुनिए, जो propaganda आप यहाँ से कर रहे हैं, और इसी propaganda से आप जो मर्जी में आपको आ रहा है, एक शेर मुझे याद आ रहा है, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो लाइक एज जॉर्ज ऑरवेल सेड दैट इन पॉलिटिक्स द लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन सच अ वे दैट मर्डर लुक्स लाइक रिस्पेक्टेबल यू नो ऑन द वन हैंड ही सेज ही कंडेम्स द इनकार्सरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स सिविल सोसाइटी एक्टर्स एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स इन कश्मीर बट एट द सेम टाइम ही गिव्स फिगर्स दैट दे हैड ऑल्सो डन द सेम सो डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट Do wrongs make a right? Here's the thing, Gowhar. You're not denying that. No. See. I'm saying. Are you saying? You know, are you accepting just, that there is just, some collective responsibility? Just raising hue and cry. एक शेर मुझे भी याद आ रहा है. उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा. धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा.
So this audience, I understand that you know, every time Kashmir is being humiliated, you cheer a lot. So I have no problems with that. So I would like to say, if you allow me, if you shout, then I don't want to see. You know, keep speaking. You don't worry. Yeah. Chishty sir, I will get you in, please. So you know how these things are being done and sold as something else, while the ground reality is very, very different from what these guys are saying and what you are cheering for. But let you know, in history books, these 2 years, 5 years come as one paragraph. Let things settle down. On the one hand, you say everything is normal, and then you take foreign envoys to trips to Kashmir, but don't allow Manishankar Iyer, who has written a scathing piece in the Indian Express, that he was under house arrest, hotel arrest. He was not allowed to meet anyone. So these double standards, this hypocrisy, first saying that Kashmir is not is a bilateral issue, and then saying it's an internal issue, then saying it's not an issue at all, then taking foreign envoys to on trips to Kashmir. So I think this hypocrisy must stop. Okay, I just want to point out that two questions to now remain unanswered. One is the last 30 years of literature. One sec, Anand, I will come to you. And the second one is the complete sidestepping of the collective guilt question. Jamyang ji, is there anything you want to add on either of these topics or anything else? I want to add one thing. Abhi, mere dost ne jo yahan pe point put up kiya, jo insecure ko leke. See, jab aapne wahan wahan se Kashmiri panditon ko nikal diya, you feel secure. Aapne wahan se Sufism culture ko khatam kiya, you feel secure. Jammu ke dogriyon ko aapne rulaya, you feel secure. Ladakh ka to complete discriminate kiya, you feel secure. Lekin aaj hum ye sare sawal aapko puchhe ki ye kyun kiya, then you feel insecure. Isn't it? See, 370 ke wajah se Jammu Kashmir mein Bharat desh ke aisa 106 kanun lagu nahi hua. Kyun nahi hua, hum sawal karte, you feel insecure. Wahan pe ek controller of auditor general ka jurisdiction hi nahi tha, Bharat desh ka khazana aap loot rahe the. आप कह रहे थे कि भाई डाल लेक हम सफाई कर रहे हैं. एक्चुअली डाल लेक का सफाई नहीं हो रहा था, देश के खजाना का सफाई हो रहा था. नाउ वी आर आस्किंग, यू फील इनसिक्योर, यू फील इनसिक्योर. जो जम्मू कश्मीर लद्दाख आज हम तीनों खित्तों को बार बार आप दौड़ रहे, एक जमाना था आप सिर्फ कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीर, कश्मीरियत एक फोकल पॉइंट के आप बात कर रहे थे. ना आपने जम्मू के बारे में बात किया, ना आपने लद्दाख के बारे में बात किया. आज हम ये सवाल कर रहे हैं, नोबडी इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम दिस स्टेज, नोबडी इज प्रोपोगेटिंग, एवरीबडी इज टेलिंग द फैक्ट. जो सच्चाई है वो देश के सामने जा रहा है. अब सच्चाई जब देश के सामने जा रहा है, यू फील इनसिक्योर. विवेक, आई वॉन्ट यू टू वेरी वेरी स्पेसिफिकली विदाउट स्ट्रेइंग एड्रेस द पॉइंट दैट गौहर रेज दैट द लास्ट 30 ईयर्स हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज बल्क ऑफ लिटरेचर. ओके, सो आई वुड लाइक हिम टू नेम एंड कोट सम वर्क ऑफ लिटरेचर. In front of 5 or 6 names, I will take. The grammar in India, Panini. In the last 30 years. I mean, you name, I don't know. I don't know what literature, what music you have created. What are the kind of books you have produced? What kind of research you have done? What kind of scientific research you have done? What kind of work has been done on philosophy and higher thought? Kashmir was always a land. Look at the contribution of Kashmir, grammar, yoga, literature, music, you name it. There is nothing which has not been created in Kashmir, and they have destroyed everything from Kashmir. Today, Kashmir has no diversity. Kashmir has nothing. And let me tell you one thing. The young girls, I've been meeting girls and boys every day. They are so happy after Article 370. This is a false propaganda they are creating. The youth is very happy. They say this is the first time we have got freedom, but their problem is that they are not allowed to work. They are not allowed to participate in Indian mainstream because they fear all these people, the so-called leaders, the political and social leaders, they beat them up. I have seen 12 girls who participated with me in one shooting getting beaten up in front of my eyes by the entire village. How do you expect, if you cut somebody's head, how do you expect them to come back to the mainstream? The only contribution is that on radio there is only namaz and kalmas. On every important mainstream function there is only religious preachings,
every single thing has boiled down to Islam. And it's the Islamic forces, not the Kashmiri. Please do not hate Kashmiri young boys and girls, because they are born after 1990. They have not seen any diversity. So it's not their fault. The fault is people who are the jo thekedar ban gaye Kashmir ke, wo har aadmi ko utni saza milni chahiye jitni kal ko agar koi Kashi se Mahadev ka naam mita de, us aadmi ko jitni saza milni chahiye utni us har vyakti ko milni chahiye jisne Kashmir se Saraswati ki bhoomi hai, Shiv ki bhoomi hai, jisne Saraswati ko wahan se mita diya, us aadmi ke zurm ki koi saza nahi hai. Thank you. Anand? Very briefly, look, it's very clear. There can be no truth without reconciliation. There can be no justice without Nuremberg. I can't believe how such a thing so simple as admitting that yes, we were wrong, especially when the people who cry, as the gentleman was, about human rights and dignity. I apologize to my Dalit brothers and homosexual brothers and sisters and women of Kashmir that yes, Indian state failed you by the continuous application of Article 370 that trampled on your human rights. But you know why some people won't apologize? Because their whole house of cards and house of placards will come crumbling down. That is the reason. They would have to accept that for 70 years they were following a law in Kashmir that was unjust towards Indians, towards Dalits, whom they call brothers. This is the reason why people still would not say sorry. It's so simple to say sorry. Say sorry. Anand, one quick question to you based on what Gowhar said. You brought up all these cases of the PSA being applied. One of the reasons we abrogated 370 is precisely because of malgovernance. Should the Indian state then be applying the same laws on Kashmir that we then withdrew 374 precisely for that kind of malgovernance? Sorry, I didn't understand the... So, one of the reasons was the draconian use of laws and discrimination and all of that. Yeah. What, it doesn't send a good message if the Indian state's first action when it withdraws 370 is to use the same draconian laws against the people, just a different set of people. No, there is a point in there, but having also said that Kashmir is not Gurgaon. There are 100,000 Indian troops over there. The situation is very different. You know, when a terrorist, Burhan Wani, was killed, for the next 3 months, Kashmir was in a total lockdown, 10,000 crore loss, 100 people were killed. So, you know, this was the death of a terrorist. This is what happened. So, you know, of course, as I said, that, you know, I am against the continued incarceration of people because they have to be based on the application and the advice given by the security. And I think it really has been a bit too long, in my personal opinion. Having said that, yes, of course, there have to be laws that have to be conscientious. Every law must have a moral and ethical backing, otherwise I would not term it as a law. Okay. Gowhar, coming back to you, and Chishty sir, after that I'll come to you. I want you to answer a specific question because we now seem to be stuck in a rut where we're just going to fro. So I want you to now give us what your opinion of the media coverage, media lockdown, so on and so forth is, because I also want to get other people into that entire media lockdown debate. Yeah, I mean, the coverage by the media based in Noida and Bombay has been very shabby, and it's been very one-sided. especially the local media in Kashmir is totally silenced. Almost all the news editors were taken by the NIA, and the local journalists on a daily basis are being summoned and questioned at Cargo, which is a counterinsurgency grid, and local police stations. And the oppression is at such a level that it's almost the views have been criminalized in Kashmir, and I don't think it's a good idea to celebrate criminalization of opinions. While you do so, you have to understand that these chickens can come home to roost. If you celebrate this criminalization of ideas in Kashmir, tomorrow this can happen to you as well. There is no problem when you form a coalition government with Mehbooba Mufti, then she's a good partner to have. There's no problem when you receive the Hurriyat delegation in Delhi. But now, because aapka mizaj change ho gaya, now everything is, you know, now they are all evil. So that's the problem. You know, you have to understand facts, how for political reasons, how with a civilizational and ideological view, all these decisions are taken. There's no politics. It's all a civilizational view that this is a place where we have to suppress this place called Kashmir and people called Kashmiris. Thank okay. you very much. Last words to Jamyang ji before we hit the audience question round. If I... अगर मैं इसको संक्षेप में बता दूं without consuming many without taking so much time अगर संक्षेप में बता दूं अगर ये सारा हो भी रहा है तो देश के हित के लिए prevention is better than cure.
Last line, Vivek. Just one quick line. आजकल हर चीज टीवी डिबेट जैसी हो गई है. मैं आपसे एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ. पिछले दो साल से मैं कश्मीर में काम कर रहा हूँ और मैं आपसे एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. लॉट ऑफ यंग पीपल, कश्मीर को अगर आप चाहते हैं कि वो वापस इंटीग्रेट हो इंडिया में और उसी गर्व से और उसी प्यार के साथ कश्मीर इंडिया का पार्ट बने, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ कश्मीरों पे ना छोड़िए, ये जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए. एंड वी कैन सेट एन एग्जांपल. यू नो, आप लोगों को जितना एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स और आइडियाज़, यू हैव टू इंटीग्रेट देम बाय शोइंग देम द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया. देन ओनली दे विल बी टेम्प्टेड टू कम हियर, बिकॉज ऑल दे गेट टू सी इज द बार्बेरियनिज्म ऑफ इस्लामिक फोर्सेज देयर. Thank you. Okay. Now we need to get into a Q&A round. Sir, we've got literally 2 minutes left now. We have to give the audience a chance. Just 1 minute. अभी वे भाई ने जो कहा ये बिल्कुल सही बात है. हम यही बात करते हैं अभी. जो गौर भाई, what he said that, you know, when people are clapping, I don't feel that it is about humiliation about Kashmiri. हर कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिस तरह कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है. तो यहाँ पे जो तालियाँ बज रही हैं किसी के ह्यूमिलेशन के लिए नहीं है. जो गलत हुआ है उसको जो सही किया गया है उसके लिए है. और ये बात हमें भी जिम्मेदारी के साथ, जो अभी विवेक भाई ने कहा कि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहीं इस सरजमी है दिल्ली पे 700 बरस पहले यही कहा गया था कि बर रूए जमीयस फिरदौस अगर बर फिरदौस अगर रूए जमीयस हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त. अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर के लिए कहा गया, तो वो यही है, यही है, यही है इसी हिंदुस्तान में. Okay. तो इस चीज को सामने रखते हुए हमें सबसे इंटरेक्ट करना questions, है. वी हैव टू रैप अप. क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? ओके, आई कैन ओनली टेक 3. प्लीज मेक इट शॉर्ट क्विक क्वेश्चंस. The mics, can we give the audience this thing? If you don't mind, I'd prefer to give it to the audience at the back. Quickly, the gentleman there raising his hand, please just make it a question, no comments. Just quickly a question. The gentleman in the black and white, if you can quickly give him a mic. Anybody else wants to ask a question, raise your hands now. The gentleman in the black at the front, I will get to you. The quickly, if you can just ask a quick question. Yeah. I want to ask, my question is to Mr. Chishty. You know, we have Bhakti tradition, Sai Baba and Meher Baba and all these people, you know, form from Bhakti movement. But why do we see that Muslims, you know, generally don't respect this point of view, don't honor this point of view generally? Why do they practice the system of exclusivity? One second, let me just collect a few questions. This gentleman in black standing here. The gentleman who's standing here? No, right here, right here. Thank you, Abhijit sir. Quickly. मैं कश्मीर से जो MP है उनको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. जे हमारा 70 साल से जो 370 से हमारा नहीं हटता था, अभी जो हो गया. Can you please hold the mic closer to your mouth and speak up a bit? मैं बोल रहा हूँ उनको, जे अभी जो आपको लग रहा है कि कश्मीर अभी बंद है और सब कुछ आपके डिटेंशन में है, जो कुछ लग रहा है, जो उतने साल में जब कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकाला गया था, उस टाइम इस क्वेश्चन को आपने क्यों रेज नहीं किया गया था, और लोगों ने क्यों इस टाइम को, और अभी जो कश्मीर पंडित के बारे में अभी जो चर्चा हो रहा है वो पहले से जब निकाला गया था उस टाइम से क्यों नहीं गया था? आपकी गवर्नमेंट में उस टाइम है और आपकी आपका गवर्नमेंट उस टाइम में कश्मीर में था, तो आपके लिए बाउंड है कि क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ था उस टाइम के क्वेश्चन, मतलब आपको ये आंसर क्यों नहीं हुआ? मेक इट शॉर्ट एंड राइट. थैंक यू. ओके, सो दैट्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आई हैव टू रैप अप नाउ, इट्स अ हार्ड स्टार्ट. क्विकली 30 seconds. Sir, excuse me if I may ask one. Just, I'm very sorry, but I have been listening to all of you. I've been to Kashmir, I'm a simple person. I want to say that this is not as simple as Mr. Agnihotri said. Ma'am, do you have a question? I have a question. Ma'am, sir, this isn't for comments. Do you have a question? Please identify who you want to ask the question to and ask so the question. So I will tell you I want to ask the question to Mr. Geelani, because I met a lot of young people there, and most of them said, "Aap kya India se aaye ho?" And everybody was identifying ki India alag cheez hai kya? Maine kaha, "Tum bhi to India mein rehte ho." "Nahi nahi, aap to India se aaye ho." This was their this thing.
with the tourists. What is the question? No, sir, please, no more questions. No more questions. Please sit down. No more questions. We have to end now. Enough. Gowhar Chishty ji. आपने मेरे ख्याल से पूछा कि जो बातें की जा रही हैं यहाँ पे उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं, यही पूछा सवाल कि why it's not been practiced. आपसे ये बात का जवाब दूंगा कि देखिए कश्मीर का जो मसला है, ये जितने भी प्रोसिक्यूशन हुए हैं वहाँ पे, जो प्रोसिक्यूशन जो वहाँ पे हुए कश्मीर पंडित उसके लिए और उसके साथ साथ वहाँ पे आपने देखा किस तरह सूफियों के ऊपर वहाँ पे जितनी दरगाहें चराग शरीफ में जब धमाका हुआ, बम धमाका हुआ, दहशतगर्द, ये दहशतगर्द जो हैं, जो टेररिस्ट है वहाँ पे, इनको आप ये मत सोचिए कि वो कश्मीरी हैं या कश्मीरी तहजीब के नुमाइंदे हैं या वो कश्मीरियत को सामने लेके आते हैं. दहशतगर्द जो हैं वो अपने सियासी मफाद की वजह से वहाँ पे जो उनको इनस्टेबिलिटी करनी थी उसके लिए उसमें कई हद तक वो कामयाब भी हुए. जब वहाँ पे चराग शरीफ में धमाका हुआ, जब भी हमने कुछ ये नहीं सुना कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को मारा गया, उनको बाहर निकाला गया. तो आज जब हम मिलके कलेक्टिवली इस बात की बात करते हैं तो अमन कायम करने के लिए हर कश्मीरी का एतमाद लेना, उनका ट्रस्ट लेना, और जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई उनके साथ वहाँ पे खड़े रहते हुए जो सूफियों के ऊपर जुल्म हुआ है उनको भी साथ में खड़े होते हुए, तभी हम जो हमारी तहजीब है वहाँ की, कश्मीरियत जिसको कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, जब ये तीनों चीज़ें उठेंगी तभी हम कश्मीर का असल चेहरा देखेंगे. और मैं हर बात इस बात को कोट करता हूँ, मैं यहीं ख़त्म करूँगा कि हमारे देश हिंदुस्तान के बारे में जिसको विश्व गुरु कहा गया है वो क्या है. मौलाना रूमी के जो अल्फाज हैं उनको मैं दोहरा के ख़त्म करूँगा अपनी बात को कि बाजा बाजा हरंच हस्ती बाजा सत बार गर तोबा शिकस्ती बाजा ई दरगाह माँ ना उम्मीदी नीस ई दरगाह माँ उम्मीदस कम 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 हुएवर यू आर कम इवन इफ यू आर ब्रोकन योर वोज ऑफ रिपेंटेंस कम आर डोर्स आर इंडिया आर डोर्स इज नॉट द डोर ऑफ डिस्पेयर. हमारे देश के दरवाजे ना उम्मीदी के नहीं है, उम्मीद के हैं, उम्मीद के हैं, उम्मीद के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए भारत के दरवाजे उम्मीद के लिए हैं. ओके I'm sorry, we can't take any more questions. We've got no time now. So no more questions, no more responses. I'm very sorry we have to answer abruptly. But the big man is coming, so you're going to have a very good next session. And I'm sure that speech will keep you more entertained than this one, hopefully, inshallah. So thank you, guys. You were a great audience. Sure. Thank you, all the panelists. Thank you very much. Sir, but I'm to the next session. But thank I'm you. Sure this has really created the prelude and the atmosphere for the same. All right, thank you. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you.